हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से अपने बैकयार्ड वाले एरिया में एक लाइव वीडियो बनाने जा रहा हूं, और ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जो चीकू का पेड़ है उस पेड़ से चीकू तोड़कर और उस कैसे उसको पकने तक रखा जाता है, ये सारा प्रोसेस मैं एक वीडियो में दिखाऊँगा। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में बने रहें और चलिए फटाफट फिर ये चीकू को तोड़ते हैं। तो मैंने चीकू को तोड़ने के लिए एक बड़ा सा स्टिक लिया है और उसके एंड पे वो मतलब मुड़ा हुआ है ताकि उसमें वो हुक हो जाए, चीकू को मैं अच्छे से ग्रिप बना के और तोड़ सकूं। तो मैंने उसको एक एंड पे मोड़ के और वो बांध दिया है ताकि चीकू इससे तोड़ने में आसानी होगी। तो आप देख ही रहे होंगे, वो मैंने एक हाथ से वो स्टिक पकड़ा हुआ, दूसरे हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लेकिन मुझे जितने भी बड़े साइज़ के ये चीकू हैं ये सारे तोड़ लेने हैं, क्योंकि 2, 4 या 5 चीकू को मैं पकने के लिए रखूँगा तो उससे बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ से मैं इसे पकाऊँगा तो वो भी कॉस्टली आता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी बड़े साइज़ के चीकू हैं वो सबको मैं तोड़ लूँ, और साथ में ही मेरे पास तो एक ही पेड़ है चीकू का, तो ज़्यादा तो नहीं इसमें, लेकिन हाँ इतना क्वांटिटी में निकल जाएगा कि घर के ही लोग खा सकते हैं। अगर जिनके पास ज़्यादा पेड़ है और वो बड़े लेवल पे वो पकाते हैं चीकू को, वो प्रोसेस करते हैं, तो वो फिर उनको ज़्यादा क्वांटिटी में भी वो चाहिए पकाने के लिए जो केमिकल आता है, तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है। बट अभी ओवरऑल मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं एक एक चीकू को तोड़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी हाइट पे है ये और वहाँ तक मेरा स्टिक भी बहुत आसानी से नहीं पहुँच पा रहा है। और एक चीज़ और देख रहे होंगे कि चीकू जो है वो एक ही जगह आपको नहीं मिलेगा, काफ़ी दूर एक ही पेड़ में काफ़ी दूर दूरी पे होता है, तो इसलिए इसका तोड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा तो कोशिश यही रहेगा कि मैं सारा ही तोड़ लूँ, जितने छोटे हैं उसको छोड़ के बड़े जितने हैं सब तोड़ लूँ। अगर मैं पेड़ में ही छोड़ देता हूँ पकने के लिए, क्योंकि ये पेड़ में भी पक जाएगा, लेकिन अगर मैं पेड़ में छोड़ देता हूँ तो उससे दिक्कत ये होगा कि ये तो 1x1 पकेगा लेकिन वो फिर खाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी पेड़ पे कोई पक्षी या चिड़िया आके बैठेगी तो उस पर चोंच मारेगी, वो चोंच मारने के बाद वो फल नीचे गिरेगा और फिर वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए 1x1 पकने से अच्छा है कि एक बार तोड़ के और उसको किसी केमिकल से पका लें, तो वो फिर 1 time यूजेबल होगा, एक बार में लोग सबको खा सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये चीज़ सोचा हूँ कि मैं आज तोड़ के इसको पकने के लिए डाल दूँ। तो चलिए, एटलीस्ट हमने तो लगभग काफ़ी सारा मैंने तोड़ लिया है, और मैं अभी आपको एक जगह रख के मैं दिखाऊँगा अभी कि कितना है क्वांटिटी में ये, और लगभग जो भी जितने बड़े साइज़ का था वो सब मैंने ही तोड़ लिया है, और इसमें से जो छोटे हैं वो अभी पेड़ में ही है। तो ये देखिए, मैंने ये लगभग सारे ही तोड़ लिए हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें से ना एक वाइट कलर का लिक्विड जैसा निकलता है तोड़ने के टाइम में, तो कोशिश करें कि आप इसको धो लें, और अगर आप नहीं भी धोते हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे इसको सूखने के लिए छोड़ दें ताकि ये लिक्विड निकलना बंद हो जाए, तब इसको आप वो केमिकल रखें, क्योंकि जब ये लिक्विड निकलेगा तो ये काफ़ी स्टिकी होता है, ये फिर आप जगह जगह चिपकेगा ये। तो मैंने इसको एक पैकेट में डाल दिया, एक छोटा मैंने बोरे का वो लिया है, थैला लिया है, उसमें मैंने इस सबको डाल दिया है, और इसके बीच सेंटर में मैं वो केमिकल डालूंगा। वो केमिकल का नाम आपको मैं बता देता हूँ, ये हर जगह अवेलेबल भी होता है, वेल्डिंग वाले इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको कार्बाइड बोलते हैं, इसी से गैस वेल्डिंग होता है। तो इस कार्बाइड के थ्रू मैं इसे पकने के लिए डालूंगा, और ये 2 से 3 दिन का टाइम लेगा पकने में। तो मैं ये कार्बाइड को बीच सेंटर में प्लेस कर देता हूँ और इस थैले को अच्छे से सील कर दूंगा, और इसको सील करके लपेट के कोई 2 से 3 दिन के लिए कोई सेफ जगह इसको रख दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।